हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप बोर्ड के एग्ज़ाम में एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखा जाता है और एप्लीकेशन लिखने का आपका सही तरीका क्या है, किस प्रकार से लिखेंगे कि एप्लीकेशन लिखते समय आपका इसमें किसी प्रकार का मिस्टेक ना हो और एग्ज़ामिनर आपको पूरे के पूरा नंबर दे। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन लिखते समय आपको क्या ध्यान देना है और किस मुख्य बिंदु पर ध्यान देना है ये बताने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आप मुख्य बिंदु पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप एप्लीकेशन लिख के आएंगे तो आपका पूरा का पूरा नंबर फ्रेंड्स कट जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एप्लीकेशन लिखने का आपका सही तरीका क्या है उसको आप जरूर सीख के बोर्ड के एग्ज़ाम में जाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना है फॉर लीव, छुट्टी के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है। फ्रेंड्स देखिए, आपको जब एप्लीकेशन लिखना होगा तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ लिखिएगा टू। टू लिखने के बाद देखिए फ्रेंड्स क्या करें, यहाँ पे हल्का सा कामा दीजिएगा और इसके नीचे से देखिए फ्रेंड्स आपको प्रिंसिपल को लिखना होगा तो यहाँ से लिखिएगा टू द, यहाँ से थोड़ा सा जगह छोड़ के टू द प्रिंसिपल, क्या लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, ठीक है। तो सिंपल तरीका से फ्रेंड्स बताएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर कामा कर लीजिएगा, फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, कॉलेज का नाम लिख लीजिएगा GCIC। अब जिस कॉलेज से पढ़ते होंगे उसका कॉलेज का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, GCIC इंटर कॉलेज, क्या लिखेंगे इंटर कॉलेज। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कामा कर लीजिएगा और जो आपका सिटी होगा फ्रेंड्स यहाँ पे लिख लीजिएगा, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं क्या गाजीपुर, क्या लिखेंगे यहाँ पे गाजीपुर, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा गाजीपुर, यहाँ पे फुल स्टॉप कर लीजिएगा। अब जिस शहर के जिस सिटी से बिलोंग करते होंगे यहाँ पे आप सिटी का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इसके आगे जब आपको लिखना है तो यहाँ पे लिखिएगा सर, और जब सर लिखना है फ्रेंड्स तो देखिए कहाँ से लिखना है, यहाँ से इसके नीचे से यहाँ से लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा सर, क्या लिखेंगे सर लिख लीजिएगा और यहाँ पर इस तरह कामा कर लीजिएगा। फ्रेंड्स इसके बाद देखिए आपको लिखना है तो जब आप लिखना है तो यहाँ पर क्या करें, जैसे यहाँ द लिखा है तो यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा, लिखिएगा मोस्ट, जितने पॉइंट बता रहे फ्रेंड्स ध्यान देते रहिए, ठीक है। इसी प्रकार से लिखना है मोस्ट रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली रेस्पेक्टफुली, और यहाँ पे कामा कर लीजिएगा। अब लिखिएगा आई बेग टू से डैट, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स ये जो पैराग्राफ यहाँ तक लिखे हैं प्रत्येक एप्लीकेशन चाहे जिस पे आपको एप्लीकेशन लिखना हो यहाँ पैराग्राफ इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब इसके आगे जिस पे लिखना है, छुट्टी पे आप चाहे बीमारी पे लिख रहे हैं चाहे जिस पे लिख रहे हैं उस पे, इसके आगे उस वाक्य को छोटा छोटा वाक्य करके जोड़ दिया जाता है, चलिए उसको लिखते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा आई हैव बिन, आई हैव बिन लिखिएगा। अब लिखने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे आपका वाक्य कंप्लीट नहीं हो रहा है, अब यहाँ लाइन आपको छोड़ना है तो अब क्या करेंगे, अब सर के नीचे से यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आई हैव बिन सफरिंग, देखिए सफरिंग लिखना है तो यस यू सफरिंग, सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है, यहाँ लिखिएगा फीवर, सिंस लास्ट नाइट, ठीक है, पिछले रात से क्या हो रहा है फ्रेंड्स आपको बुखार है, फीवर मतलब बुखार। यहाँ पे वाक्य पूरा है, यहाँ पे आप क्या कीजिए फुल स्टॉप कर लीजिएगा। अब फ्रेंड्स देखिए लिखना है आपको, लिखिएगा सो, ठीक है, दो तीन वाक्य इसमें जोड़ लीजिएगा, सो आई एम वाक्य नहीं कंप्लीट हो रहा है तो अब यहाँ से जब लिखेंगे इसके नीचे से यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। आई एम अनेबल, यहाँ पर लिखिए अनेबल, अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, और यहाँ पे हुआ इसका फुल स्टॉप। मान लीजिए यहाँ तक वाक्य आपका कंप्लीट हो गया, जैसे ही वाक्य कंप्लीट होगा तो आप लाइन छोड़ के दूसरा वाक्य लिखेंगे, देखिए कहाँ से लिखेंगे, अब यहाँ मोस्ट जहाँ से यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, लिखिएगा आई दियर फोर, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स आई कामा कीजिएगा और दियर फोर लिखिएगा, दियर फोर और यहाँ पे कामा कीजिएगा, ठीक है। फिर रिक्वेस्ट यू टू, यानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल से, आप लिखिएगा रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, GRANT ग्रांट मी, ठीक है, लीव
ठीक है, लीव हो गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे आपका वाक्य जो है कंप्लीट नहीं हो रहा लीव तक, तो अब जैसे ही लिखेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ सफरिंग के से यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। लीव ऑफ एब्सेंस, एब्सेंस फ्रॉम फ्रॉम, अब देखिए जैसे आज मान लीजिए आपका तारीख कितना है, मान लीजिए आज की तारीख पे आप लिख रहे हैं आप, तो मान लीजिए आप 14 तारीख को लिख रहे हैं तो 14 डालिए और दसवां महीना 2023 से लेकर, अब जब तक मतलब जो दिन का आपको लिखना होगा फ्रेंड्स उतने दिन का लिख दीजिएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 14 लिख रहे हैं, यहाँ पर कर लीजिएगा 16/10/2023, ठीक है, अक्टूबर, क्या लिखेंगे अक्टूबर हो गया। अब इसके जो दिन का लिखना होगा फ्रेंड्स इस तरह लिख दिया जाता है, यहाँ पे फुल स्टॉप कीजिएगा। अब देखिए फुल स्टॉप करने के बाद आप अब अगला लाइन कहाँ से लिखेंगे, यहाँ से शुरू कीजिएगा। देखिए कहाँ से लिखेंगे, ध्यान देते रहिएगा, यहाँ से क्या लिखेंगे, आई सेल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ ठीक है काइंडनेस। देखिए काइंडनेस नहीं यहाँ पर कंप्लीट हो पा रहा है, तो अब क्या करेंगे काइंडनेस यहाँ से लिख दीजिए, कहाँ से लिखेंगे देखिए काइंडनेस यहाँ पर लिखिए काइंडनेस फुल स्टॉप कर लीजिएगा। जैसे ही आप फुल स्टॉप होगा लाइन को छोड़ना होगा, देखिए अब यहाँ क्या कीजिएगा, यहाँ पर डाल दीजिएगा डेट, क्या डालेंगे यहाँ पे डेट डालिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जिस डेट को आप ये एप्लीकेशन लिखिएगा यहाँ पर डेट डाल दिया जाता है। फिर यहाँ भी लिखिएगा फ्रेंड्स आप योर्स ओबीडियंटली कामा कीजिएगा और लिखिएगा XYZ। फ्रेंड्स आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में नाम नहीं लिखना रहता है, इसलिए XYZ वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये आपका एप्लीकेशन फॉर लीव था, यदि आपको बीमारी पे यदि आपको लिखना है तो इस प्रकार से आप एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एप्लीकेशन लिखने का आपका तरीका था, ठीक है। ये मुख्य बिंदु जो आपको बताया फ्रेंड्स कहाँ से कौन सी लाइन छोड़ के कहाँ से स्टार्ट करना है, उस पॉइंट पर यदि ध्यान देते हैं तो आपके एग्जामिनर आपको सिर्फ ये पैराग्राफ देख के ही पूरा का फुल मार्क आपको देगा, एक नंबर भी फ्रेंड्स आपका एग्जामिनर नहीं काटेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।